ओम शांति। आज 20/5/2020 की मुरली है। मीठे बच्चे धंधा आदि करते भी सदा अपनी गॉडली स्टूडेंट लाइफ और स्टडी याद रखो। स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, इस नशे में रहो। प्रश्न है, जिन बच्चों को ज्ञान अमृत हजम करना आता है उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं, उत्तर है, उन्हें सदा रूहानी नशा चढ़ा रहेगा और उस नशे के आधार पर सबका कल्याण करते रहेंगे। कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कांटों को फूल बनाने की ही सेवा में बिजी रहेंगे। ओम शांति। आज तुम बच्चे यहाँ बैठे हो और यह भी जानते हो कि अभी हम पाठधारी हैं, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। यह तुम बच्चों की स्मृति में आना चाहिए। जानते हो कि बाबा आया हुआ है हमको फिर से राज्य प्राप्त कराने व तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने। यह बातें सिवाय बाप के और कोई नहीं समझाएंगे। तुम जब यहाँ बैठते हो तो तुम जैसे स्कूल में बैठे हो, बाहर हो तो स्कूल में नहीं हो। जानते हो यह ऊंचते ऊंच रूहानी स्कूल है, रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई तो बच्चों को याद आनी चाहिए ना। यह भी बच्चा ठहरा, इनको अथवा सभी को सिखलाने वाला वह बाप है। सब मनुष्य मात्र की आत्माओं को बाप वह है। तो बाबा कहते हैं, वे आकर शरीर का लोन लेकर तुमको समझा रहे हैं, रोज समझाते हैं। यहाँ जब बैठते हो तो बुद्धि में स्मृति रहनी चाहिए कि हमने 84 जन्म लिए। हम विश्व के मालिक थे, देवी देवता थे, फिर पुण्य जन्म लेते लेते आकर पट पड़े हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, सारी स्मृति आई है। भारत की ही कहानी है, साथ साथ अपनी भी। तो बाबा कहते, अपने को फिर भूल ना जाओ। हम स्वर्ग में राज्य करते थे, फिर हमको 84 जन्म लेने पड़े। यह सारा दिन स्मृति में लाना पड़े। धंधा आदि करते स्टडी तो याद आनी चाहिए ना। कैसे हम विश्व के मालिक थे, फिर हम नीचे उतरते आए। बहुत सहज है, परंतु यह याद भी कोई को नहीं रहती है। बाबा कहते, आत्मा पवित्र ना होने कारण याद खिसक जाती है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह याद खिसक जाती है। हम बाबा के स्टूडेंट हैं, बाबा कहते रहते हैं, याद की यात्रा पर रहो। बाप हमको पढ़ाकर यह बना रहे हैं, सारा दिन यह स्मृति आती रहे। बाप ही स्मृति दिलाते हैं, यही भारत था ना। हम सो देवी देवता थे, सो अब असुर बने हैं। पहले तुम्हारी भी बुद्धि असुरी थी, अब बाप ने ईश्वरीय बुद्धि दी है। परंतु फिर भी कोई कोई की बुद्धि में बैठता नहीं है, भूल जाते हैं बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम फिर से देवता बनते हो तो वह नशा रहना चाहिए ना। हम अपना राज्य ले रहे हैं, हम अपना राज्य करेंगे। कोई को तो बिल्कुल नशा चढ़ता ही नहीं है, ज्ञान अमृत हजम ही नहीं होता है। जिन्हें नशा चढ़ा हुआ होगा उन्हें किसका कल्याण करने के सिवाय दूसरी कोई बात करना भी अच्छा नहीं लगेगा। फूल बनाने की सर्विस में ही लगे रहेंगे। हम पहले फूल थे, फिर माया ने कांटा बना दिया, अब फिर फूल बनते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने से करनी चाहिए। बाबा कहते, इस नशे में रह तुम किसको भी समझाएंगे तो झट कोई को तीर लगेगा। भारत गार्डन ऑफ अल्लाह था, अब पतित बन गया है। हम ही सारे विश्व के मालिक थे, कितनी बड़ी बात है। अभी फिर हम क्या बने हैं, कितना गिर गए हैं। हमारे गिरने और चढ़ने का ये नाटक है, ये कहानी बाप बैठ सुनाते हैं। वह है झूठी और यह है सच्ची। बाबा कहते, वह सत्य नारायण की कथा सुनाते हैं। समझते थोड़ी ही हैं कि हम कैसे चढ़ते फिर कैसे गिरे हैं। यह बाप ने सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनाई है। राजाई कैसे गवाई, यह सारी है अपने ऊपर।
बाबा कहते, आत्मा को अभी मालूम पड़ा है कि हम कैसे बाप से राजाई ले रहे हैं। बाप यहाँ पूछते हैं जो कहते हैं, हाँ नशा है, फिर बाहर जाने से कुछ भी नशा नहीं रहता। तो बाबा कहते, बच्चे खुद समझते हैं, भल हाथ तो उठाते हैं परंतु चलन ऐसी है जो नशा रह ना सके, फीलिंग तो आती है ना। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुमको मैंने राजाई दी थी, फिर तुमने गवा दी, तुम नीचे उतरते आए हो क्योंकि यह नाटक है चढ़ने और उतरने का। आज राजा हैं, कल उसको उतार देते हैं। अखबार में बहुत ऐसी ऐसी बातें पड़ती हैं जिसका रिस्पोंड दिया जाए तो कुछ समझें, यह नाटक है, यह याद रहे तो सदैव खुशी रहे। बुद्धि में है ना, आज 5000 वर्ष पहले शिव बाबा आए थे, आकर राजयोग सिखाया था, लड़ाई लगी थी। तो बाबा कहते, अभी ये सब राइट बातें बाप सुनाते हैं, यह है पुरुषोत्तम युग। कलयुग के बाद यह पुरुषोत्तम युग आता है। कलयुग को पुरुषोत्तम युग नहीं कहेंगे, सतयुग को ही नहीं कहेंगे। बाबा कहते, सतयुग को भी नहीं कहेंगे, आसुरी संप्रदाय और दैवी संप्रदाय कहते हैं, उनके बीच का है संगम युग। जबकि पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनती है, नई से पुरानी होने में सारा चक्र लग जाता है। अभी है संगम युग। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब वह है नहीं, बाकी अनेक धर्म आ गए हैं। यह तुम्हारी बुद्धि में रहता है। बहुत हैं जो 6-8 मास 12 मास पढ़कर फिर गिर पड़ते हैं, फेल हो पड़ते हैं। बाबा कहते, भल पवित्र बनते हैं परंतु पढ़ाई नहीं करते तो फंस पड़ते हैं। सिर्फ पवित्रता भी काम नहीं आती, ऐसे बहुत सन्यासी भी हैं, वह सन्यास धर्म छोड़ जाए गृहस्थी बन जाते हैं, शादी आदि कर लेते हैं। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम स्कूल में बैठे हो, यह स्मृति में है हमने अपनी राजाई कैसे गवाई, कितने जन्म लिए। अब फिर बाप कहते हैं, विश्व के मालिक बनो, पावन ज़रूर बनना है, जितना जास्ती याद करेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, क्योंकि सोने में खाद पड़ती है ना, वह निकले कैसे। तुम बच्चों को बुद्धि में है, हम आत्मा सतो प्रधान थी, 24 कैरेट थी, फिर गिरते गिरते ऐसी हालत हो गई है। तो बाबा कहते, हम क्या बन गए हैं, बाप तो ऐसे नहीं कहते कि हम क्या थे, तुम मनुष्य ही कहते हो हम देवता थे। तो बाबा कहते हैं, भारत की महिमा तो है ना, भारत में कौन आते हैं, क्या ज्ञान देते हैं, यह कोई नहीं जानते, यह तो पता होना चाहिए ना कि लिबरेटर कब आते हैं। भारत प्राचीन गाया जाता है तो ज़रूर भारत में ही रीइनकॉर्गनेशन होना होगा ना, अथवा जयंती भी भारत में ही मनाई जाती है, जरूर फादर यहाँ ही आते हैं, कहते भी हैं भागीरथ। तो मनुष्य शरीर में आया होगा ना, फिर घोड़े गाड़ी भी दिखाए हैं, कितना फर्क है, कृष्ण और रथ दिखाया है, मेरा किसको पता ही नहीं है। अभी तुम समझते हो बाबा इस रथ पर आते हैं, इनको ही भाग्यशाली रथ कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु चित्र में कितना क्लियर है, त्रिमूर्ति के ऊपर शिव, यह शिव का परिचय किसने दिया, बाबा ने ही बनवाया ना। तो बाबा कहते, अभी तुम समझते हो बाबा इस ब्रह्मा रथ में आए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह भी बच्चों को समझाया है, कहा 84 जन्म के बाद विष्णु सो ब्रह्मा बनते, कहा ब्रह्मा सो विष्णु 1 सेकंड में। वंडरफुल बातें हैं ना बुद्धि में धारण करने की। बाबा कहते, पहले पहले समझना होता है बाप का परिचय। भारत स्वर्ग था ज़रूर, हेवनली गॉड फादर ने स्वर्ग बनाया होगा, यह चित्र तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। समझाने का शौक रहता है ना, बाप को भी शौक है, तुम सेंटर्स पर भी ऐसे समझाते रहते हो, यहाँ तो डायरेक्ट बाप है। बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, आत्माओं के समझाने और बाप के समझाने में फ़र्क तो ज़रूर पड़ता रहता है, इसलिए यहाँ सम्मुख आते हैं सुनने लिए। बाप ही घड़ी घड़ी बच्चे बच्चे कहते हैं, भाई भाई का इतना असर नहीं रहता जितना बाप का रहता है।
यहाँ तुम बाप के सम्मुख बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं तो इनको मेला कहा जाता है। बाबा कहते बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है, समझते हैं बेहद का बाप कहते हैं, हम उनका नहीं मानेंगे। बाप कहते हैं हमने तुमको स्वर्ग में भेजा था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर तुम पावन नहीं बनेंगे। तो बाबा कहते आत्माओं को कहते हैं, कोई समझते हैं बाबा सच कहते हैं, कोई तो झट कहते बाबा हम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सच्चा सोना बन जाएंगे, मैं सभी का पतित पावन बाप हूँ। तो बाप की समझाने और आत्माओं की बच्चों की समझाने में कितना फ़र्क है। समझो कोई नए आ जाते हैं, उनमें भी जो यहाँ का फूल होगा तो उनको टच होगा, ये कहते ठीक है, जो यहाँ का नहीं होगा तो समझेगा नहीं। तो तुम भी समझाओ, हम आत्माओं को बाप कहते हैं, तुम पावन बनो। तो बाबा कहते मनुष्य पावन बनने के लिए गंगा स्नान करते हैं, गुरु करते हैं, परंतु पतित पावन तो बने ही नहीं हैं। तो बाबा कहते बाप आत्माओं को कहते हैं कि तुम कितने पतित बन गए हो, इसलिए आत्मा याद करती है कि आकर पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, तुम बच्चों को कहता हूँ ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, ये रावण राज्य खत्म होना है, मुख्य बात है ही पावन बनने की। स्वर्ग में विष होता नहीं, जब कोई आते हैं तो उनको यह समझाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी, मन मना भव अक्षर याद है ना, बाप निराकार है, हम आत्मा भी निराकार हैं, जैसे हम शरीर द्वारा सुनते हैं बाप भी इस शरीर में आकर समझाते हैं, नहीं तो कैसे कहें कि ममेकम याद करो। देह के सभी संबंध छोड़ो, ज़रूर यहाँ आते हैं, ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, प्रजापिता अप्रैक्टिकल में है, इन द्वारा हमको बाप कहते हैं, हम बेहद के बाप की ही मानते हैं। वह कहते पावन बनो, पतित पना छोड़ो, पुरानी देह के अभिमान को छोड़ो, मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी, तुम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाप से सम्मुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना। तो बाबा कहते हैं बाप से बेमुख करने वाला मुख्य अवगुण है एक दूसरे का परचिंतन करना, इविल बातें सुनना और सुनाना। बाप का डायरेक्शन है तुम्हें इविल बातें सुननी नहीं है, इनकी बात उनको, उनकी बात इनको सुनाना या धूतीपना तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। इस समय दुनिया में सभी विपरीत बुद्धि है ना, सिवाय राम के दूसरी कोई बात सुनाना उसको धूतीपना कहा जाता है। अब बाप कहते हैं यह धूतीपना छोड़ो, तुम अभी आत्माओं को बताओ कि हे सीताएं तुम एक राम से योग लगाओ, तुम हो मैसेंजर, यह मैसेज दो कि बाबा ने कहा है मुझे याद करो बस। तो बाबा कहते इस बात के सिवाय बाकी सब है धूतीपना। बाप सब बच्चों को कहते हैं धूतीपना छोड़ दो, सभी आत्माओं का एक राम से योग जुड़ाओ, तुम्हारा धंधा ही यह है बस। बाबा कहते यह पैगाम देते रहो, बाप आया हुआ है, कहते हैं तुमको गोल्डन एजन में जाना है, अब इस आयरन एज को छोड़ना है, तुमको वनवास मिला हुआ है ना, जंगल में बैठे हो, वन जंगल को कहा जाता है, कन्या की जब शादी होती है तो वन में बैठती है, फिर महल में जाती है, तुम भी जंगल में बैठे हो, अब ससुर घर जाना है, इस पुरानी देह को छोड़ना है। तो बाबा कहते एक बाप को याद करो, जिनकी विनाश काले प्रीत बुद्धि है वह तो महल में जाएंगे, बाकी विपरीत का ही वनवास है, जंगल में वास है। बाप तुम बच्चों को भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, जिस बाप से इतनी बेहद की बादशाही ली उनको भूल गए हो तो वनवास में चले गए। तो बाबा कहते वनवास और गार्डन वास, बाप का नाम ही है बागवान,
परंतु जब कोई की बुद्धि में आए तो बाबा कहते हैं भारत में ही हमारा राज्य था, अभी नहीं है, अभी तो वनवास है। फिर गार्डन में चलते हैं, बाबा कहते तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में है, हम बेहद के बाप से अपना राज्य ले रहे हैं। बाप कहते हैं मेरे साथ प्रीत रखो, मेरे बाबा कहते मेरे साथ प्रीत रखो, फिर भी भूल जाते हैं। बाप उल्हाना देते हैं तुम मुझ बाप को कहाँ तक भूलते रहेंगे, फिर गोल्डन एज में कैसे जाएंगे? अपने को पूछो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं हम जैसे कि याद की अग्नि में पड़े हैं जिससे विकर्म विनाश होते हैं। एक बाप से प्रीत बुद्धि होना है, सबसे फर्स्ट क्लास माशुक है जो तुमको भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। कहाँ थर्ड क्लास में बकरियां मिसल ट्रैवल करना, कहाँ एयर कंडीशन में, कितना फ़र्क है। बाबा कहते यह सब विचार सागर मंथन करने का है जो तुमको मज़ा आएगा। यह बाबा भी कहते हैं मैं भी बाबा को याद करने लिए बहुत माथा मारता हूँ, सारा ध्यान सारा दिन ख्यालात चलती रहती है, तुम बच्चों को भी यही मेहनत करनी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला किसी को भी एक राम बाप की बातों के सिवाय दूसरी कोई भी बातें नहीं सुनानी है। एक की बात दूसरे को सुनाना पर चिंतन करना यही धूतीपना है, इसे छोड़ देना है। दूसरा है एक बाप के साथ प्रीत रखनी है, पुरानी देह का अभिमान छोड़ एक बाप की याद से स्वयं को पावन बनाना है। वरदान है अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। अलौकिक नशे की अनुभूति द्वारा निश्चय का प्रमाण देने वाले सदा विजयी भव। बाबा कहते हैं अलौकिक रूहानी नशा निश्चय का दर्पण है, निश्चय का प्रमाण है नशा और नशे का प्रमाण है खुशी। जो सदा खुशी और नशे में रहते हैं उनके सामने माया की कोई भी चाल चल नहीं सकती, बेफिकर बादशाह की बादशाही के अंदर माया आ नहीं सकती। अलौकिक नशा सहज ही पुराने संसार व पुराने संस्कार भुला देता है, इसलिए सदा आत्मिक स्वरूप के नशे में, अलौकिक जीवन के नशे में, फरिश्तेपन के नशे में या भविष्य के नशे में रहो तो विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है मधुरता का गुण ही ब्राह्मण जीवन की महानता है, इसलिए मधुर बनो और मधुर बनाओ। अच्छा ओम शांति।